वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1074 पदों पर होने वाली भर्तियों की। आपने अगर अभी तक हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव के मॉक टेस्ट सीरीज को बाय नहीं किया है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा आपको 1600 प्लस हिमाचल जीके, इंडियन जीके वाली एमसीक्यू पीडीएफ फाइल फ्री मिलेगी जो कि हिंदी लैंग्वेज में रहने वाली है। और साथ में आपको लास्ट 6 महीने मतलब कि नवंबर से लेकर अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर वन लाइनर पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर आज की जॉब नोटिफिकेशन की। रिक्रूटमेंट हो रही है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। अगर बात करें यहाँ पर नौकरियों की तो ये नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स रहने वाली है क्योंकि DFCCIL एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है। यहाँ पर कुल मिला के 1074 पद भरे जाने वाले हैं। पहली पोस्ट यहाँ पर रहेगी जूनियर मैनेजर सिविल, इसके 31 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं। अनरिजर्व से 14 वेकेंट पद रहेंगे, एससी से 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग की कम से कम 60% मार्क्स के साथ। सेकंड पोस्ट यहाँ पर है जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस, इसके 77 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं। अनरिजर्व 34, एससी 11, एसटी 5, ओबीसी 20, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 7 पद रिजर्व रहेंगे। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइक एज एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीएम इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टम रिलेशन, तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। बट आपकी पीजी डिग्री कम से कम 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहां पर है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की, इसके 3 पद भरे जाएंगे और तीनों ही पद यहां पर अनरिजर्व रहने वाले हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पे स्केल अगर बात करें यहाँ पर जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए तो आपका पे स्केल यहाँ पर रहेगा 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये, और इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए होने वाली भर्तियों की। एग्जीक्यूटिव सिविल के यहाँ पर 73 वेकेंट पद भरे जाएंगे, अनरिजर्व से 32 पद यहाँ पर रहेंगे, एससी के लिए 11 पद रहेंगे, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 16, इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन के लिए 6 पद यहाँ पर रिजर्व रहेंगे। इसके लिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल वाला, जैसे कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन का, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन या टेक्नोलॉजी का, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज, आपके पास अगर इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, 42 वेकेंट पद यहाँ पर रहेंगे। अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की तो अनरिजर्व से 16 पद रहेंगे, एससी से 6 पद रहेंगे, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 12, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके 87 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर अनरिजर्व से 35 वेकेंट पद रहेंगे, एससी से 12 पद रहेंगे, एसटी के लिए 8 पद रहेंगे, ओबीसी के लिए 24, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8। यहाँ अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस। अगर आपके पास ये डिप्लोमाज है तो आप इसके लिए भी अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, 237 वेकेंट पद ये रहने वाले हैं। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 96 वेकेंट पद रहेंगे, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 65, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 23 पद। अगर यहाँ पर बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तो यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 पद रिजर्व रहेंगे और एक्स सर्विसमैन के लिए 33 वेकेंट पद यहाँ पर रिजर्व रहेंगे। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बट आपकी जो परसेंटाइल है वो कम से कम 60% होनी चाहिए। पे स्केल अगर बात करें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए तो आपका पे स्केल रहेगा 30,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये, और इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे होने वाली भर्तियों की। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के 135 पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर अनरिजर्व से 57 वेकेंट पद रहेंगे, एससी के लिए 22 पद, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 34, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11,
और अगर बात करें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के 6 पद रहेंगे और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ, और इसके अलावा आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए या आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए ITI से, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रेड यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, आप ये कोई भी अगर डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, 147 वेकेंट पद ये रहेंगे, अनरिजर्व 62, SC 23, ST 12, OBC 37, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 13। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 7 पद रहेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए 18 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके लिए भी आप 10वीं पास होने चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ, और यहाँ पर भी आपने ITI का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TV एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, 225 पद यहाँ पर ये रहने वाले हैं, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 90 पद रहेंगे, SC के लिए 34, ST के लिए 17, OBC के लिए 61, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 23। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 9 पद रहेंगे और एक्स सर्विसमैन के लिए 33 पद रहने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो आप 10वीं पास होने चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ, और इसके अलावा आपके पास ITI का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास या ITI आपने नहीं किया हुआ है तो आप सिंपल ग्रेजुएट भी है तो भी आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जूनियर मैनेजर के लिए कम से कम एज रहेगी 18 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ पर रहेगी 27 वर्ष। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 30 वर्ष के बीच में, और अगर बात करें यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज रहने वाली है, बट यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सैलरी मैंने आपको बता ही दी है, सैलरी यहाँ पर कितनी रहने वाली है। लास्ट पोस्ट की सैलरी मैंने नहीं बताई है आपको, तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की सैलरी आपकी रहेगी 25,000 रुपये से लेकर 68,000 रुपये। तो आप अगर बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू और ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, ठीक है। इंटरव्यू यहाँ पर सिर्फ पहली पोस्ट के लिए होगा, मैनेजर की पोस्ट के लिए होगा, बाकी 2 पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा जो कि जून के महीने में प्रस्तावित है, और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 24 मई 2021। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं।